बाल विकास समिति के तत्वावधान में बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के तत्वावधान में प्रति वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में समाज के सभी वर्गों से बालक बालिकाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में रविवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में खेलकूद, कला, सामान्य ज्ञान और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रातःकालीन गांव का दृश्य और कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को स्वच्छता अभियान का दृश्य दर्शाने के लिए बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंत्री श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा अखिलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मैं अखिलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंत्री श्री चित्र मंदिर सभा गोरखपुर। एक्चुअली चूँकि हम लोग कायस्थ हैं और हमारी लेखनी ही कर्म धर्म है और भगवान चित्रगुप्त जब पैदा हुए थे तभी से लेखनी लेख पैदा हुए थे, तो हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए प्रत्येक वर्ष ये प्रयास करते हैं समाज का हर वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लें, जिसके लिए हम लोग 2 अक्टूबर को डिबेट करते हैं, सभी समवर्ग के बच्चे उसमें भाग लेते हैं, कोई जाति का बंधन नहीं होता है, कोई धर्म का बंधन नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ खेल कूद भी करते हैं, बच्चों का दौड़ हुआ है, लड़कियों का दौड़ हुआ है, उसके बाद से जीके का एग्ज़ाम है, ड्राइंग है, एसे है, ये हम लोग करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज के उत्थान के लिए काम करें और उसी के तहत हम सर समाज के उत्थान पर अपना विश्वास रखते हुए सर समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। बच्चे चूँकि इस हम लोगों के ऋण है, इसलिए प्रयास करते हैं हम लोग कि बच्चों के उत्थान का पूरा प्रयास किया जाए और निष्पक्ष होता है। इसमें जो हमारे जजेज भी होते हैं वो हाई क्लास के जजेज आते हैं, जैसे अभी हमने किया डिबेट, उसमें एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक रिटायर्ड ADM आए थे, ताकि बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहे। कितने विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया? ये शहर के हर विद्यालयों को जाते हैं और करीब करीब हर विद्यालयों से लड़के और लड़कियाँ आती हैं। आज के विषय क्या है कला का? आज के कला का विषय वो तो देखिए, उसके लिए स्वच्छता अभियान का है, वो बच्चे उस पर ड्राइंग बना रहे हैं। उसके बाद GK है, जिसका कि पेपर बिल्कुल सीक्रेट है, निबंध है और उसके बाद निबंध है, वो सब अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी समय एट द एलिमेंट था और जब क्लास में बच्चों को देते हैं उसी समय देते हैं ताकि ओरिजिनलिटी बच्चों में आ सके। पहले से सब्जेक्ट बता देना ये उचित नहीं लगता है।